लास्ट टाइम हम देख रहे थे लाइनक्स की इंस्टॉलेशन की, और फिर उस लाइनक्स की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमने ओरेकल की इंस्टॉलेशन करनी थी और प्री रेक्विजिट्स हमने सारे कर लिए थे। उसमें अगर किसी को इशू हो तो वो बता दे। आज हम कर्नल पैरामीटर सेट करेंगे और फिर हम ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो वो लास्ट लेक्चर इज ओके। ठीक है जी। एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए हैं जी। नहीं वो भी करते हैं, वैसे वो मंडेटरी वो नहीं है। ठीक है, वो अगर एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं भी सेट करेंगे तब भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन रिकमेंडेड है कि कर लेना चाहिए। मैं मीन वाइल कॉपी पे लगा देता हूँ मीडिया जो हमारे पास है। विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि ये जो ना पर्टिकुलरली जब हम यहाँ गए तो इशू लगा था ब्लर है, बहुत ही। बुला लें जरा। यानी ब्लर है, क्या नाम है इसको, देखिए इसका फोकस। नहीं देखिए जरा, अब आप देखें थोड़ा बेहतर हुआ है पहले। हाँ जी, देख लें जरा, लाइटिंग ऑफ कर देना। ठीक है जी, आप थोड़ा और करना पड़ेगा फिक्स। ठीक है, ओके। हाँ ट्राई कर लें आप, थोड़ा सा और देख लें इसको। ओके जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कर्नल पैरामीटर्स हमने आरपीएम इंस्टॉल कर लिए थे और यूजर एंड ग्रुप क्रिएशन भी कर ली थी और उस यूजर को हमने परमिशंस भी दे दी थी। ठीक है, आज हम कर्नल पैरामीटर सेट करेंगे। लाइनक्स में जो कर्नल पैरामीटर सेट होते हैं वो ईटीसी के अंदर एक फाइल है, मल्टीपल तरीके। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लाइनक्स की जो कर्नल की कन्फिग्रेशन फाइल है sysctl.conf के नाम से ईटीसी में, तो ये एंट्रीज हैं। ये बाद में हम देखेंगे कि ये एंट्रीज करती क्या है, अभी फिलहाल आपने ये करना है कि ये सारी एंट्रीज, ये कुछ मेमोरी से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स और जो पोर्ट्स हैं, अवेलेबल पोर्ट्स हैं, वो उनके सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपने जो ओरेकल के लिए आपने सेट करने। ठीक है, तो ये सिंपली मैं ये एंट्रीज कॉपी कर लेता हूँ और एक रूट यूजर से ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं आप। तो मैं एक और सेशन ओपन करता हूँ, उसमें रूट यूजर से स्विच हो जाता हूँ। मेरे साथ ओरेकल यूजर से हूँ, एस यू माइनस रूट और उसका पासवर्ड दे देंगे। वीआई कर लेते हैं जी, ईटीसी में sysctl.conf। किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिएगा, कोई चीज ना समझ आ रही हो। तो इस फाइल के एंड पे कुछ एंट्रीज ऑलरेडी हुई होंगी, फिर भी आप बेशक की एंट्रीज दोबारा कर दें तो जो लेटेस्ट एंट्रीज होंगी वही एप्लीकेबल होंगी एक्चुअली। तो मैं सिंपली ये एंट्रीज कॉपी कर लेता हूँ, जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि, और इस सेक्शन को अपना एक नाम दे देते हैं। ठीक है जी, वंस ये आपने एंट्रीज कर लें, इस फाइल को सेव कर दें। एक तो तरीका ये है इनको इफेक्टिव करने का कि आप रीबूट कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम को, और दूसरा ये है कि आप बगैर रीबूट किए हुए भी sysctl-p की एक कमांड है वो अगर आप देंगे तो अगर कोई एरर होगा तो ये एरर आउट कर देगा, आपको लिखा हुआ आएगा कि एरर आया, लेकिन अगर एरर नहीं होगा तो सिंपली जो एंट्रीज आपने की है वो आपको प्रिंट कर देगा, या इस फाइल में जो एंट्रीज है वो प्रिंट हो जाएंगी, इट मीन्स कि वो इफेक्टिव हो गई है। ओके, ये तो थे जी। कॉपी है इसमें,
मशीन की आपकी रैम कितनी है या इसके पैरामीटर्स के हिसाब से चेंज कर रही है, बस बस यही कॉपी पेस्ट करना है? देखिए अब वो मैं आप आगे डिस्कस करूंगा, अभी तो फिलहाल ये कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, SHM max का जो पैरामीटर है, एक्चुअली कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं वो मैं बता के तो फिर इनको डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अभी चले आपको बता देता हूँ। SHM max का जो पैरामीटर है ये देखिए अराउंड 4 GB सेट हुआ हुआ है, तो ये जितना आप SGA का साइज सेट करना चाहते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट उतना होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेट से आपकी मशीन में 32 GB मेमोरी है और आप चाहते हैं ओरेकल के SGA को आप जो मेमोरी दें वो 8 GB दें, तो इट शुड बी मिनिमम ये 8 GB होना चाहिए SHM max का जो पैरामीटर है, या इससे अबव होना चाहिए। लेट से आप चाहते हैं कि इस मशीन के ऊपर ओरेकल की मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल 2 databases होगी, दोनों databases 8-8 GB मेमोरी आपको पाई करेगी, टोटल मेमोरी कितनी होगी ओरेकल को जो मिलेगी 16 GB मिलेगी, लेकिन वो 2 databases को मिलेगी। तो ये जो SHM max का पैरामीटर है दिस इज द सम ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू ऑल SGAs, तो आपने 3 SGAs क्रिएट करें या 3 different databases बनानी है तो उनके कलेक्टिव मेमोरी का जो साइज होगा वो आपने SHM max में देना होगा। ठीक है, ये ओरेकल के जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास ये जो सारे पैरामीटर्स हैं मैंने वो उसी डॉक्यूमेंट में से कॉपी करके अपने पास रखी है, ये फाइल बनाई हुई है, ये सिंपली मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ये अब ये सारे रिकमेंडेड जो अब जब भी आप ये ओरेकल के डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे ना तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपने चेंज करने हैं। तो इसमें से SHM max और SHM माल ये 2 पैरामीटर्स है जो कि आपने चेंज करने होते हैं, बाकी सारे आपने डिफॉल्ट वैल्यू जानी देनी होती है। ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम कि ये पैरामीटर्स क्या करते हैं, SHM max क्या करता है, SHM माल, SHMNI एंड सो ऑन, ये सारे पैरामीटर्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट है जी, ये मैं आपको फाइल भी दे दूंगा, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। देन नेक्स्ट है मतलब आपने इसको इफेक्टिव भी कर दिया, देन आपने ETC के अंदर एक सिक्योरिटी का फोल्डर, उसमें limits.conf की फाइल है कि एक वक्त में एक पर्टिकुलर यूजर कितनी फाइल्स एट अ टाइम रीड राइट मोड में ओपन कर सकता है। ठीक है, तो वो आपने इस फाइल के अंदर एंट्रीज करनी है, तो आपने यूजर का नाम या स्टेरिक दे दें, स्टेरिक अगर देंगे तो क्या होगा कि सारे यूजर्स के लिए वो लिमिट्स इनहांस हो जाएंगी, और अगर आप पर्टिकुलर यूजर का नाम देते हैं जैसे हमने यूजर क्रिएट किया ओरेकल के नाम से, तो आप उस यूजर का नाम देंगे और आगे फिर ये लिमिट्स दे देंगे ये कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम है जो इस सिस्टम सपोर्टेड है जो मैक्सिमम हो सकती है, तो मैंने सिंपली ये की हुई है और इसको इस फाइल में एंट्री कर देते हैं ETC में सिक्योरिटी और limits.conf फाइल। क्योंकि हमने ओरेकल के नाम से यूजर क्रिएट किया हुआ है तो हमने यूजर का नाम और आगे फिर तो जो नंबर ऑफ फाइल्स वो ओपन कर सकता है, सॉफ्ट या हार्ड फाइल जो ओपन कर सकता है वो उसके पैरामीटर्स दे देंगे। ओके, देन ETC के अंदर palm.do लॉगिन की फाइल है कि एक वक्त में कितने सेशंस ओपन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर यूजर से, तो वो एंट्रीज कर लेंगे हम। एंड देन SE Linux डिसेबल्ड होना चाहिए, ETC में SE Linux config की फाइल है, व्यू कर लेते हैं, वैसे हमने उसको डिसेबल ही रखा था, मोर करते हैं उसको /etc/SE Linux और config की फाइल है, तो इसमें हमारे पास SE Linux ऑलरेडी डिसेबल्ड आ रहा है, और आपके पास जो फाइल वाले है वो भी डिसेबल होनी चाहिए सेटअप, और इसमें हम देख लेते हैं फायरवॉल, तो फायरवॉल भी ऑलरेडी हमारे पास डिसेबल्ड है,
एंड यू आर डन। अब आप सिंपली अनजिप करेंगे, वो आगे यूजर एंड ग्रुप क्रिएशन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, एंड डायरेक्टरीज क्रिएशन है वो बेशक कर लें, नहीं तो इंस्टॉलर खुद डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेगा। उसके बाद जो चीज रह गई है वो है जी कर्नल पैरामीटर्स, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने ओरेकल यूजर से करनी है, हम ऑलरेडी ओरेकल यूजर से लॉगिन है, इसमें से कुछ आपने पैरामीटर्स चेंज करने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। मैं सारे ये कर्नल पैरामीटर्स सेट कॉपी कर लेता हूँ और मैं ओरेकल यूजर से आ जाता हूँ। अच्छा सॉफ्टवेयर कॉपी हो गया, मीनवाइल उसको अनजिप पे लगा लेते हैं। तो आपको जब आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर कॉपी करेंगे 11G का, तो आपके दो ये उसमें जिप फाइल्स में होगा। अगर आप डाउनलोड करेंगे मेटल otn.oracle.com से या e-delivery.oracle.com से, तो हर रिलीज के लिए, हर ओएस के लिए डिफरेंट आपके पास ये होगा, मीडिया होगा, और ये दो डिफरेंट वो जिप फाइल्स में आएगा। और ये दोनों फाइल्स आपने वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करनी है, एक ही लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करनी है और एक ही फोल्डर बनेगा डेटाबेस के नाम से, और वहां से फिर आपने इंस्टॉलर चलाना है। तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूं, अनजिप लिनक्स वन ऑफ टू। वंस ये अनजिप हो जाएगा तो फिर हम दूसरा फोल्डर फाइल को अनजिप कर लेंगे इसी लोकेशन पे, तो एक ही फोल्डर बनेगा डेटाबेसेस के नाम से। ओके अच्छा एनवायरमेंट वेरिएबल्स नॉर्मली अब जब बैश शेल में होते हैं तो आप जो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं वो एक्सपोर्ट की कमांड से करते हैं, एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी का एक एनवायरमेंट वेरिएबल है, उसमें आप जी डीबी 11G दे देते हैं। तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल आपका ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी के नाम से सेट हो गया। एनवायरमेंट वेरिएबल्स अपर केस में होते हैं, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू है वो आपकी मर्जी है, वो अपर केस में दें या लोअर केस में दें, लेकिन जो पाथ होंगे वो सारे लोअर केस में डेफिनेटली आप देंगे, और डेटाबेस का नाम यूजली अपर केस में दिया जाता है। और इसके अलावा फिर आप एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर होम का एनवायरमेंट वेरिएबल देंगे कि आपका ओरेकल का सॉफ्टवेयर आप कहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एनवायरमेंट जी ये खुद ही, अगर आपने ये सेटिंग कर ली ना तो ये सेटिंग उठा लेगा, ठीक है, और इंस्टॉलेशन के दौरान जब मांगता है तो वो 10G ऑनवर्ड ही होता है कि आपकी एनवायरमेंट की फाइल भी क्रिएट कर देता है। तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप सेट कर लें तो आप बाद में जब वो कोई भी टूल इन्वोक करेंगे तो आपको एरर्स नहीं आएंगे, ठीक है, एनवायरमेंट आपको बार बार सेट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जब ये एनवायरमेंट वेरिएबल आप सेट करते हैं तो एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसकी कोई वैल्यू देते हैं, और अगर आपने किसी वेरिएबल में वैल्यू देखनी हो तो इको करके देखें, इको डॉलर साइन और आगे वेरिएबल का नाम, इको करेंगे तो उस वेरिएबल में जो भी आपने वैल्यू स्टोर की हुई है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैं करता हूं इको ओरेकल अंडरस्कोर होम, ओरेकल होम का वेरिएबल मैंने सेट ही नहीं किया हुआ तो ये मुझे नल दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह एक टर्मिनल में एक्सपोर्ट से किसी एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर सेशन तक रहेगा। जैसे आपने इस सेशन को खत्म किया, आपने दूसरी अनजिप कर लेते हैं, आप एक नए सेशन पे आए, तो यहां पे आपको वो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपने एक्सपोर्ट की कमांड के थ्रू एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे सेट किए थे तो उस सेशन तक के थे। जैसे आपने टर्मिनल क्लोज कर दिया या दोबारा लॉगिन हुए आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स दोबारा सेट करने पड़ेंगे। तो आप अगर आपने ओरेकल की यूटिलिटीज उस मशीन पे चलानी है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस शटडाउन स्टार्टअप करनी है, एसक्यूएल प्लस इनवोक करना है, बैकअप लेना है तो आरमेन इनवोक करना है, या कोई भी यूटिलिटी इनवोक करनी है, तो आपको सारे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट होने चाहिए, ओरेकल एसआईडी, ओरेकल होम, ओरेकल बेस, पाथ, एलडी लाइब्रेरी पाथ, ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट होने चाहिए, तब आपके जाके कोई टूल इनवोक कर सकेंगे। अदरवाइज कोई टूल इनवोक नहीं होगा, आप कोई भी कमांड देंगे तो वो कहेगा कमांड नॉट फाउंड, आपको एरर देगा, ठीक है, कमांड ओपन नहीं, मतलब वो जब तक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं होंगे आप ओरेकल का कोई टूल इस मशीन पे इन्वोक नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं परमानेंट सेटिंग्स कर दें तो हर यूजर के आपको हर दफा लॉगिन होके ये एनवायरमेंट वेरिएबल बार बार सेट ना करने पड़े। वैसे तो ओरेकल आपको एक फाइल दे ही देगा एनवायरमेंट की फाइल, वो भी आगे जब इंस्टॉलेशन हम कर लेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि एनवायरमेंट्स की सेटिंग एक फाइल होती है डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, हर यूजर के होम फोल्डर में होती है। जैसे ओरेकल है तो ओरेकल का होम फोल्डर क्या जी /home/oracle, वो हिडन फाइल होती है। ll करें अगर आप तो आपको वो फाइल नजर नहीं आएगी, ll -a करें तो
तो आपको ये सारी फाइल डार्ट से बहुत सारी फाइल नजर आएंगी। जो डार्ट से फाइल्स होती हैं लाइनक्स के अंदर वो हिडन फाइल्स होती हैं। तो एक इसमें फाइल है डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। अगर आप बैश शेल यूज करें, बाय डिफॉल्ट आपके जो शेल होता है वो बैश ही होता है, ठीक है। तो अगर आप बैश शेल यूज करें तो डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल के नाम से एक फाइल होगी। आपने इस फाइल को ओपन करना है और इस फाइल में सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स की एंट्रीज कर देनी है। ये फाइल हर दफा एग्जीक्यूट होती है जब भी यूजर लॉग इन होता है। तो अब एक दफा इस फाइल में एंट्रीज कर देंगे, लॉग ऑफ होकर दोबारा लॉग इन होंगे, तो इस फाइल में जो कुछ होगा वो सेट हो जाएगा। तो फिर आपको फिर कभी भी एनवायरमेंट वेरिएबल दोबारा से खुद से सेट नहीं करने पड़ेंगे। तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस फाइल में सारी एंट्रीज कर देते हैं एंड पे जाके। तो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऑलरेडी कॉपी कर लिए, इनको वन बाय कॉपी करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। लास्ट टाइम हमने देखे थे वैसे, वर्कल अंडरस्कोर होस्ट नेम। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखें, इसके आगे मैंने फिर कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि आपने ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपने चेंज करने होंगे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अदरवाइज जो है वो इश्यूज होंगे, आपको मसले मसाइल आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको ओरेकल अंडरस्कोर होस्ट नेम में आपने अपनी इस मशीन का नाम देना है। तो होस्ट नेम लिख के एंटर करेंगे तो मेरी इस मशीन का नाम oradb.oranet.com है, ठीक है। तो सिंपली ये कॉपी कर लूंगा और इस इन्वायरमेंट वेरिएबल में Oracle underscore host name में ये मेक श्योर करना है कि ये आपने करें, अदरवाइज ना लिसनर चलेगा और ना ही फिर आपका एंटरप्राइज मैनेजर चलेगा अगर आपने ये सेट नहीं किया होस्ट नेम सही तो, ठीक है। तो आपकी मशीन का जो नाम है, आपके सर्वर का जो नाम है, वो Oracle underscore host name के इन्वायरमेंट वेरिएबल में देना है आपने। देन Oracle underscore base, ये आपका वो पाथ होगा जहां पे आपकी Oracle की बेस डायरेक्टरी होगी, ठीक है। और इसको आप दो तरीके एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के, एक तो तरीका है कि शुरू में एक्सपोर्ट लिख लें और आगे वेरिएबल का नाम और आगे इक्वल टू वैल्यू। दूसरा तरीका है कि एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम दें, इक्वल टू उसकी वैल्यू दें, सेमी कॉलन दें और एक्सपोर्ट करके उसका नाम दे दें। दो तरीके हैं सेट करने के, ठीक है। तो मैंने दोनों, एक एनवायरमेंट वेरिएबल एक डिफरेंट तरीके से एक्सपोर्ट करके सेट कर दिया है और दूसरे बाकी सारे डिफरेंट तरीके से किए। तो दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर लें। अगर आपने शुरू में एक्सपोर्ट यूज कर लिया तो आगे फिर ये आपको ना सेमी कॉलन देने की जरूरत है ना एक्सपोर्ट और आगे वेरिएबल का नाम देने की जरूरत है। सो ओरेकल बेस विल बी द लोकेशन जहां पे आपकी बेस डायरेक्टरी होगी और इस डायरेक्टरी के अंडर आपका ओरेकल होम होगा जहां पे एक्चुअली आपका ओरेकल का सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। सो अगर आपने यूजर वन के नाम से माउंट पॉइंट बनाया हुआ है या यूजर वन के नाम से एक फोल्डर है जहां पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या स्लैश ओरेकल के नाम से है या स्लैश db01 के नाम से या कोई भी आपने फोल्डर क्रिएट किया हो या पार्टीशन क्रिएट की हुई है तो वो आपने यहाँ पे पाथ अप्रोप्रिएट पाथ देना होगा। नॉर्मली जो कन्वेंशन फॉलो की जाती है /u01/u02 या Oracle या /ora01, आप जो भी आपने कन्वेंशन फॉलो किया है उस हिसाब से आप ये पाथ चेंज करेंगे और उस पाथ के ऊपर उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहां पे आपका ये Oracle बेस बनेगा आपके Oracle यूजर को रीड राइट एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि वो वहां पे फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सके, रिमूव कर सके। देन Oracle होम जो होगा वो Oracle बेस के अंडर, यानी कि हमने $ Oracle बेस कर दिया, Oracle बेस का मतलब है ये पाथ, ये पाथ उठा लेगा। Oracle बेस के अंदर प्रोडक्ट के नाम से एक फोल्डर बना लिया, देन उसमें रिलीज के नाम से फोल्डर बना लिया, उसमें db_1 के नाम से बना लिया। ये आपकी मर्जी है, ये जो हिरार्की बनानी है मींस कि इतनी हिरार्की में जाना भी है कि नहीं, Oracle बेस के फौरन बाद ही db_1 के नाम से फोल्डर बेशक बना लें, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, दिस इज द रिकमेंडेशन। तो आप बेहतर है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि इसको इससे आपको बाद में फायदा होगा, आपको चीजें मैनेज करने में ज्यादा आसानी होगी, आपको पता होगा कौन सी चीज कहां पे पड़ती है, ठीक है। आगे चल के, क्योंकि जैसे जैसे आगे कोर्स आपका ये चलता जाएगा तो आपको पता चलेगा जी Oracle बेस में क्या चीजें होंगी, Oracle होम में कौन कौन से फोल्डर्स होंगे और क्या चीजें कहाँ पे कॉपी होंगी, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप प्रोडक्ट के नाम से फोल्डर बनाएं, फिर आप रिलीज के नाम से बनाएं और फिर डीबी होम वन या होम वन या होम टू या होम थ्री, जो भी आप जिस नाम से बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में, हम db_1, यानी कि पहली इंस्टॉलेशन है तो db1 होगी, एक और Oracle का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया इसी मशीन के ऊपर, Oracle 10g इंस्टॉल किया, Oracle बेस सेम होगा लेकिन Oracle होम में जो पाथ हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर 10.2.0 और db_1 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से बेस सेम रख सकते हैं, होम हर प्रोडक्ट के डिफरेंट होंगे। आप एक ही मशीन के ऊपर Oracle डेवलपर सूट इंस्टॉल कर लें, Oracle एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल कर लें, Oracle वेब लॉजिक सर्वर इंस्टॉल कर लें, Oracle डेटाबेस 11G कर लें, Oracle डेटाबेस 10G कर लें, लेकिन हर एक का बेस आप बेशक सेम रख लें लेकिन होम शुड बी डिफरेंट। अच्छा, ये आपने इस हिसाब से चेंज करना होगा
जो भी आपके एनवायरमेंट में आप जहां पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे आपने ओरेकल बेस चेंज किया तो ओरेकल होम भी उसी तरीके से आप एडजस्ट करेंगे अपने लिए। तो ये जो कमेंट है वो मैं रिमूव कर रहा हूं। देन जी ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी, दिस विल बी द नेम ऑफ योर डेटाबेस, योर इंस्टेंस नेम। सो ये आपने डिसाइड करना होगा। दिस कैन नॉट बी मोर देन 8 करेक्टर्स, ठीक है, 8 मिनिमम, मैक्सिमम 8 करेक्टर हो सकता है ये ओरेकल सीड। तो आपने अगर मल्टीपल डेटाबेस इस मशीन के ऊपर करनी है तो किसी एक डेटाबेस का नाम ओरेकल अंडरस्कोर सीड के एनवायरमेंट वेरिएबल में आ सकता है। तो जो आप डिफॉल्ट डेटाबेस रखना चाहते हैं कि जब भी आप टर्मिनल ओपन करें, एसक्यूएल प्लस ओपन करें, तो उस डेटाबेस से कनेक्ट हो, तो उस डेटाबेस का नाम जो डिफॉल्ट आप रखना चाह रहे हैं इस मशीन पे, उसका नाम आप यहां पे देते हैं ओरेकल सीड में। ओरेकल टर्म ये होता है डिस्प्ले के लिए, या आपने एक्सटर्म लिखना होता है ताकि आपका ये जो डिस्प्ले है ये सेट हो जाए और ओरेकल यूजर इंस्टॉलर इन्वोक कर सके। लेकिन ये मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन है जी पाथ, पाथ दो दफा आ गया है। पाथ का एनवायरमेंट वेरिएबल में आपने ओरेकल होम बिन का पाथ और कॉलन, कॉलन क्यों दिया जाता है, कॉलन का मतलब आप पेंड कर रहे हैं। आप पाथ के एनवायरमेंट वेरिएबल में ऑलरेडी बहुत सारे ओएस के पाथ होंगे, ठीक है, तो आपने ओरेकल होम बिन का जो फोल्डर का पाथ है वो इस पाथ के एनवायरमेंट वेरिएबल में अपेंड कर देना है। आपने ये नहीं करना, आपने अगर सिंपली ये कर देना है पाथ इक्वल टू डॉलर साइन ओरेकल होम स्लैश बिन, दैट्स इट। तो क्या होगा, पाथ का एनवायरमेंट वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही पाथ होगा, ओरेकल होम बिन का पाथ होगा, और सिर्फ ओरेकल की यूटिलिटीज इस मशीन पे आप इन्वोक कर सकेंगे जब आप इस पर्टिकुलर यूजर से लॉग इन होंगे जिसकी प्रोफाइल आपने ये सेट की हुई है। तो बाकी कोई भी ओएस की कोई कमांड देंगे तो वो कमांड नॉट फाउंड का एरर देगा आपको। तो मेक श्योर के पाथ के एनवायरमेंट वेरिएबल में आप ओरेकल होम बिन का पाथ अपेंड करें, तो कॉलन लगा के आपके डॉलर साइन पाथ लगा दें ताकि वो पाथ के एनवायरमेंट वेरिएबल में जो ऑलरेडी जो कुछ है वो इसके साथ अपेंड हो जाए। विंडोज में सेमी कॉलन लगाते हैं और लिनक्स यूनिक्स में कॉलन लगाते हैं। देन है जी एलडी लाइब्रेरी पाथ। एलडी लाइब्रेरी पाथ में ओरेकल होम लिप तक का पाथ सफिशियंट है, लेकिन बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज हैं आपको ऐड कर लेनी चाहिए। वो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जब आपको ओरेकल का टूल इन्वोक करते हैं तो वो चाहिए होती हैं, तो इस पाथ पे जाके वो लाइब्रेरीज लोड करता है मेमोरी में और वो टूल इन्वोक करता है। इसी तरीके से क्लास पाथ के अंदर ओरेकल होम के अंदर जेआरई का पाथ और ओरेकल होम के अंदर जे लिप का पाथ ये जरूरी है, ये आपने सेट करने होते हैं ताकि जब वो आपका कोई भी ओरेकल का टूल इन्वोक हो तो आपकी बहुत सारी जो जावा की क्लासेज हैं वो यहां से, जेआरई की क्लासेज हैं, जावा की क्लासेज वो यहां से लोड हो सके। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं है। आपने इस फाइल को सेव कर देना है और अगर मैं अभी इको करूंगा इको डॉलर साइन ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, क्यों, अभी मैंने जस्ट उस फाइल में एंट्रीज की हैं। तो अच्छा, एक्सट्रैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी जस्ट मैंने एंट्रीज की हैं तो एंट्रीज इफेक्टिव नहीं होंगी जब तक कि मैं एक दफा लॉग आउट ना कर लूं और दोबारा से लॉग इन ना हो जाओ। एक तो लॉग ऑफ कर लेते हैं ओरेकल यूजर से। अब मैं अगर देखता हूँ जी इको डॉलर साइन ओरेकल अंडरस्कोर एसआईडी तो ये दिखा रहा है ओरेकल अंडरस्कोर होम, तो ओरेकल होम का पाथ दिखा रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो नाउ यू आर रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन। जहां पे हमने एक्सट्रैक्शन किया है सॉफ्टवेयर की वहां पे चले जाते हैं जी। यहां पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो डेटाबेस के नाम से एक फोल्डर बना है, इस फोल्डर में चले जाते हैं जी। इसमें एक फाइल होगी रन इंस्टॉलर के नाम से, वो अपनी डॉट स्लैश करके एग्जीक्यूटेबल फाइल है। लिनक्स में जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल इन्वोक करते हैं या मैं यूनिक्स में तो डॉट स्लैश और आगे फाइल का नाम दे दें तो इंस्टॉलर इन्वोक हो जाएगा और आगे बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही है। लेकिन कुछ चीजें जो कि डिस्कस करने वाली वो देख लेते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करेंगे, वंस ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम लिसनर क्रिएट करेंगे और फिर डेटाबेस साथ क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके दो चैप्टर्स कवर हो जाएं।
अच्छा जी, इसमें मेटालिक की क्रीडेंशियल्स पूछेगा, आप इसको अनचेक कर दें। नेक्स्ट करते हैं, वो कहेगा जी ईमेल नहीं दिया आपने, आप यस कर दें ताकि वो कंटिन्यू करे। अच्छा, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, अगर आप ये ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या करेगा वो, ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, 11g रिलीज होगा और साथ एक स्टार्टेड डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा डिफॉल्ट किसी बिना ORCL के नाम से। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनिशियली सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करते हैं, फिर बाद में हम DBCA डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट एक टूल है उसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर लेते। तो मैं ये सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करूंगा ताकि मैं DBCA भी आपको चला के दिखा दूं, उसके थ्रू हम डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं एक या एक से ज्यादा। तो सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये, दिस इज एंटायरली अप टू यू। आप अगर चाहते हैं कि जी मिनिमम एफर्ट के साथ सिंपली ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो साथ डेटाबेस भी क्रिएट कर दें, तो लेकिन ये डिफॉल्ट जो डेटाबेस करेगा ORCL के नाम से करेगा। आप चाहते हैं नहीं बाद में डेटाबेस डिफरेंट नाम से क्रिएट करें तो फिर सॉफ्टवेयर ओनली करें, ठीक है। वो नहीं, नहीं वो नहीं, वो जी क्योंकि ये डिफॉल्ट एक टेम्पलेट यूज करेगा ना, उसमें फिर उसको नहीं उठाएगा। सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट करता हूँ जी, सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस करनी है या क्लस्टर करनी है, तो क्योंकि हमारे केस में सिंगल इंस्टेंस ही है तो हम डिफॉल्ट जाने देंगे, सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस है। नेक्स्ट करते हैं, नहीं वो है अलग से कोर्स है, ठीक है, तो वो आपको ये बताएंगे कि आपके इस कोर्स के साथ वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी, डिफॉल्ट लैंग्वेज जाने देंगे, आपने जो लैंग्वेज सिलेक्शन करनी है वो कर लें, लेकिन ये प्रोडक्ट कौन सी लैंग्वेज आपने लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। एक्चुअली अगर मल्टीलिंगुअल डेटाबेस करना चाह रहे हैं तो वो फिर आगे चल के आएगा उसमें, ये तो लैंग्वेजेस होंगे कि एरर मैसेजेस आपको किस फॉर्म उसमें नजर आए, तो हम डिफॉल्ट लैंग्वेज करेंगे। देन जी आपने इंटरप्राइज एडिशन करना है, स्टैंडर्ड एडिशन करना है या स्टैंडर्ड वन करना है। इंटरप्राइज एडिशन करेंगे तो फुल फ्लेज फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, पार्टिशनिंग, इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल्स, देन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी की बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। स्टैंडर्ड एडिशन करेंगे लेकिन इंटरप्राइज एडिशन एक्सपेंसिव बहुत है, $60,000 का तो इनिशियल सिर्फ इसका लाइसेंस है फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर एनुअल रिन्यूअल है 25% के करीब आप देते हैं हर साल। स्टैंडर्ड एडिशन आपका उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, हाई अवेलेबिलिटी के भी और फेल ओवर के, तो वो उसकी प्राइस लेस देन 10,000 है। स्टैंडर्ड वन एडिशन वो बहुत ही छोटी उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसकी प्राइस लेस देन $5,000 है। तो आप जो फीचर आपने जो लाइसेंस परचेज किया वो उस हिसाब से आप करेंगे, लेकिन इसमें लाइसेंस किसी जगह एंटर नहीं करना पड़ता, आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर लें और इंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करें विदाउट लाइसेंस, तो ये नहीं होगा कि आपको कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, वो फुल फ्लेज फीचर्स के साथ आपको आपके पास अवेलेबल होंगे। तो वही अगर आप परचेज करके लें या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, देयर विल बी नो डिफरेंस। लाइसेंस जो है वो इथिकल लाइसेंस है सिर्फ, ठीक है, मीन्स के यहाँ पे क्योंकि वो पायरेसी नहीं है उस हिसाब से, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं और फुल फ्लेज फीचर्स के साथ करते हैं, तो लाइसेंस जो है वो सिर्फ इथिकल लाइसेंस है, उसमें किसी जगह लाइसेंस एंटर नहीं करना पड़ता। इंटरप्राइज एडिशन करेंगे जी हम। नेक्स्ट करते हैं, देन ये जी कहां पे इंस्टॉल करें, उसने ओरेकल बेस सही उठा लिया, ओरेकल होम भी सही उठा लिया उसने, ठीक है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट पहले ही सेट कर ली थी। अगर नहीं भी उसने उठाया तो आप मैन्युअली भी दे सकते हैं इसमें पाथ, और अगर यहां पे आप जो कोई पाथ देंगे और वो पाथ चेंज्ड है जो आपने बैच प्रोफाइल में एंट्री की है, तो बाद में बैच प्रोफाइल में जाके आपने जो पाथ यहां पे दिया हुआ है वो बैच प्रोफाइल में भी जाके आप अपडेट कर देंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं जी, ओके जी, इन्वेंटरी जैसे विंडोज में रजिस्ट्री होती है कि आपको बताती है जी कौन कौन सी मशीन्स के ऊपर प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं और कहाँ पे, तो इसी तरीके से ओरेकल की एक इन्वेंटरी फाइल होती है जिसमें वो बताते हैं जी कौन कौन से ओरेकल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, ओरेकल होम क्या है, ओरेकल बेस क्या है, ओरेकल SID क्या है, वो सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। बाद में कोई और प्रोडक्ट इंस्टॉल करेंगे तो वो भी इन्वेंटरी में ऐड कर देगा, तो उससे क्या होगा जब भी इंस्टॉलर चलता है ना तो डिटेक्ट कर लेता है इन्वेंटरी को कि इस मशीन पे ऑलरेडी ओरेकल की कोई प्रोडक्ट इंस्टॉल है। इसलिए जब आपको इंस्टॉलेशन करें और बाकी सारी इंस्टॉलेशन तो रिमूव कर दें और इन्वेंटरी का फोल्डर ना रिमूव करें,
तो आप इंस्टॉलेशन दोबारा करते हैं तो आपको मैसेज यही देता कि इस मशीन पे ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट है, या उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे दोबारा इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करें तो इन्वेंटरी की वजह से भी आपको एरर देता है कि इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इस मशीन पे हुई है। तो अगर आप रिमूव करें तो पूरा इन्वेंटरी का फोल्डर भी रिमूव करना होता है। विंडोज में ये प्रोग्राम फाइल्स में होता है, सी में प्रोग्राम फाइल्स में ओरेकल के नाम से फोल्डर है, और लिनक्स यूनिक्स में ओरेकल बेस के अंडर पूरा इन्वेंटरी के नाम से फोल्डर है। अच्छा, और इन्वेंटरी का जो ग्रुप है वो नॉर्मली ओ इंस्टॉल है। अगर आपने एक ही ग्रुप बनाया हुआ है तो फिर हम नॉर्मली टीपीए ग्रुप बनाते हैं, तो वही सारा ओरा इन्वेंटरी का भी ओनर होता है। ओ इंस्टॉल का ग्रुप होता है जो कि ओरा इन्वेंटरी का ओनर होगा। इस ग्रुप के में जो भी यूजर्स होंगे वो इन्वेंटरी की फाइल को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी, यानी ओएसडीबीए ग्रुप। ओएसडीबीए ग्रुप नॉर्मली हम डीबीए रखते हैं, ओएस ऑपर ग्रुप ऑपरेटर ऑपर के नाम से रखते हैं, वैसे जिस मर्जी नाम से ग्रुप बना लें। ये दो डिस्कस करने वाली चीजें जी। ओएसडीबीए ग्रुप, अगर आप कोई भी ऐसा ग्रुप ओएसडीबीए जो ग्रुप है उसमें आप किसी ग्रुप का नाम देते हैं कि जो एज अ डीबीए ग्रुप के तौर पे काम करेगा। इस ग्रुप का जो यूजर मेंबर होगा, अब जो सिस यूजर है आपके डेटाबेस में मोस्ट पावरफुल यूजर होता है सिस के नाम से, और सिस जब भी कनेक्ट होता है आप दो तरीकों से कनेक्ट हो सकते हैं, सिस एज सिस डीबीए या फिर सिस एज सिस ऑपर। अगर आपने ओएसडीबीए में डीबीए ग्रुप बताया और ओ आपका जो ओएस का यूजर है वो हमारे केस में ओरेकल है, ओरेकल जो है आपके इस ग्रुप का मेंबर है और वो ग्रुप आपका ओएसडीबीए डिक्लेयर हुआ हुआ है, तो जब आप सिस एस सिस डीबीए करके कनेक्ट होंगे अब बगैर पासवर्ड दिए हुए भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं स्लैश सिस की जगह लिख दें आप सिंपली स्लैश एस सिस डीबीए, इससे क्या होगा वो पासवर्ड नहीं मांगेगा सिस का। रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो यूजर है वो ओएसडीबीए ग्रुप का मेंबर है, ओएसडीबीए ग्रुप कौन सा है डीबीए का है, तो आपका ओएस यूजर अगर आपके ओएसडीबीए ग्रुप का मेंबर हो तो उसके लिए ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाती है। तो सिस जब ओएस पे वो लॉगिन हो गया ओरेकल यूजर, तो डेटाबेस में एज अ सिस यूजर लॉगिन होने के लिए उसको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। वो बेशक पासवर्ड दे भी दे, पासवर्ड गलत देगा तब भी कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये बाय डिफॉल्ट डीबीए ग्रुप का मेंबर होगा तो फिर ये डिसेबल नहीं होगा। ठीक है, वो फिर बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंस होगी ओएस ऑथेंटिकेशन की। बाद में आप जाते नहीं मैं ये जो है ना एक सिक्योरिटी रिस्क है, मशीन के ऊपर आपका ओरेकल के नाम से यूजर आ गया मशीन के ऊपर लॉगिन हो गया तो डेटाबेस में विदाउट पासवर्ड ये वो लॉगिन हो रहा है, तो फिर आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फीचर अवेलेबल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है, आप इसको बाद में डिसेबल कर सकते हैं, वो देखते हैं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो फिर दिस इज अप टू यू कि आप क्या करते हैं, लेकिन ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो ओरेकल का यूजर या ओएस का जो यूजर है वो आपके ओएसडीबीए ग्रुप का अगर पार्ट है, हमारे केस में वो डीबीए के नाम से ग्रुप है, तो फिर आप उसके लिए ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल होगी। इसी तरीके से ओएस ओपर हमारा ओपर ग्रुप है और ओरेकल यूजर इस ओपर ग्रुप का पार्ट है, तो क्या होगा उसके लिए फिर स्लैश सिस ओपर करके भी कनेक्ट हो सकता है, उसको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है दोनों केसेस में। ठीक है, सिस डीबीए के तौर पर लॉगिन होंगे तो मैक्सिमम प्रिविलेजेस के साथ होंगे, सिस ओपर के साथ लॉगिन होंगे तो कुछ लेस प्रिविलेजेस मिलती हैं आपको। ये क्लियर है जी, ओके नेक्स्ट करते हैं। ये प्रीरिक्विजिट्स चेक करेगा, कुछ वार्निंग्स देगा, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग इसलिए देगा जी, फिजिकल मेमोरी मेरे इस मशीन में मेमोरी क्योंकि 1 GB है तो मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड 1 GB है, तो 1 GB से ज्यादा ही होनी चाहिए, इसलिए आपको थोड़ी सी वार्निंग देगा कि यार ये इस पे हो सकता है इंस्टॉलेशन फेल हो जाए। और दूसरा आपके कर्नल पैरामीटर्स पे कुछ वार्निंग्स देगा, या कुछ आपके वो उसके आरपीएम्स पे भी वार्निंग्स दे सकते हैं, तो आप सिंपली इनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने ये सारे पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ओरेकल का सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होगा और उस लोकेशन पे इंस्टॉल होना जो शुरू हो जाएगा। मेक श्योर के इस दौरान आपको कोई एरर ना आए, अगर एरर आ रहा है
कोई लाइब्रेरी मिसिंग का, तो फिर इट मीन कि या तो आपका सोर्स जो है ओरेकल का, जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया या डीबीटी में से कॉपी किया वो करप्ट है, या फिर आपने कुछ आरपीएम्स प्री रेक्विजिट आरपीएम्स वो मिस किए हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस के केस में आपके इंस्टॉलेशन नहीं हो, एरर आएगा आपको। अच्छा, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे आपको वो कुछ स्क्रिप्ट रन करने कहेगा, जो कि हमने रूट यूजर से लॉगिन होके करने होंगे। वो क्या करेगा, कुछ फाइल्स के ऊपर ना, ओएस की फाइल्स के ऊपर परमिशन सेट कर देगा ओरेकल यूजर के लिए, और कुछ एंट्रीज कर देगा आपके डेटाबेस के स्क्रिप्ट्स की किसी लोकेशन के ऊपर, ताकि डेटाबेस जो है ना वो ऑटो स्टार्ट हो सके या एंड फोन, इस तरह के काम किए जा सके। स्क्रिप्ट रन करने के कहेगा कि ये आपने रूट यूजर से स्क्रिप्ट चलाया, तो स्क्रिप्ट का पूरा पाथ भी आपको दिखाएगा। ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो कुछ फाइल्स के ऊपर वो सेटिंग्स कर देगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और साइलेंट मोड इंस्टॉलेशन देखते हैं। आप एक रिस्पांस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने अभी नेक्स्ट सेट किया ना, ओरेकल होम क्या होना चाहिए, ओरेकल बेस क्या होना चाहिए, एंड ग्रुप्स मैंने स्पेसिफाई किए कौन कौन से होने चाहिए, तो वो आप एक रिस्पांस फाइल बना के, ओरेकल आपको एक सैंपल रिस्पांस फाइल इंस्टॉलेशन वो जो आपका मीडिया है उसी में देता है, उस फाइल को आप कॉपी करें, रिस्पांस फाइल में आप अपने सारे रिस्पॉन्सेज उसमें प्लेस करें, और रन इंस्टॉलर माइनस साइलेंट रिस्पांस फाइल, और अगर रिस्पांस फाइल का नाम और पाथ दे दें। रिस्पांस फाइल शुड ऑलवेज बी आउटसाइड ऑफ योर ओरेकल होम, यानी ओरेकल होम जहां पे भी आपने यूजर वन में एपीपी के नाम से फोल्डर बनाया तो उसमें नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा किसी लोकेशन पर होनी चाहिए, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होगी तो वो फाइल अगर फोल्डर एम्प्टी नहीं होगा तो एरर आएगा आपको। तो ये तो या तो वो जो आपने सॉफ्टवेयर मीडिया कॉपी किया उसी की लोकेशन पे होना चाहिए, या ओरेकल यूजर के होम फोल्डर में या किसी और कस्टम लोकेशन पे होना चाहिए ये फाइल। और जब आप ये रन करेंगे तो फिर आपसे वो सारी स्क्रीन्स जो हैं जिसमें वो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना पड़ा और ऑप्शन स्पेसिफाई करने पड़े वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। ये रिस्पॉन्स फाइल में भी आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी, अटेम्प्ट करिए थे। कौन सा होता है जी? जी नहीं, फोर्थ। ये एक टेक्स्ट फाइल है, ये बाइनरी फाइल नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल है। आप इसको किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे वेरिएबल्स के नाम लिखे होंगे, आपने आगे उसमें वैल्यूज देनी होंगी, ओरेकल बेस क्या होगा, ओरेकल होम क्या होगा, ऑपरेटर का ग्रुप कौन सा होगा, डीबीए का ग्रुप कौन सा होगा, ये सारी चीजें, इन्वेंटरी की लोकेशन क्या होगी, वो सारे वेरिएबल्स में आपने वैल्यूज फिल करनी होगी। तो ये टेक्स्ट फाइल होगी जो कि आप किसी एडिटर में ओपन करके एडिट कर सकते हैं उसको। कौन कौन से हम ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, ओएस ऑपर एंड ओएस डीबीए। ठीक है, लेट्स इट अबाउट दिस चैप्टर भी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, दो स्क्रिप्ट रन करने को कहेगा, सिंपली ये स्क्रिप्ट हम पूरा पाथ कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल पे आके एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और रूट यूजर से स्विच कर जाएंगे। वो जो पहले स्क्रिप्ट का पाथ है वो पेस्ट कर देंगे सिंपली और एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपकी इन्वेंटरी की लोकेशन के ऊपर परमिशन सेट कर देगा। देन दूसरा स्क्रिप्ट रन करेंगे तो वो पूरा टैब के नाम से एक फाइल है उसमें एंट्रीज कर देगा और उस पर परमिशन सेट कर देगा। आपसे पूछेगा, आप ये एक स्क्रिप्ट कॉपी करेगा आपका ओरा ईएनवी के नाम से यूएसआर लोकल बिन के अंदर, जो कि जहां पे आपकी यूजर से रिलेटेड आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी होती है। तो हमने इसको ये पाथ सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे, ये उसने इसमें कॉपी कर दिया आपकी ओरा ईएनवी के नाम से शेल स्क्रिप्ट आपका कॉपी कर दिया इसमें। वो रन करेंगे तो आपकी इन्वायरमेंट सेट हो जाएगी। वैसे हमने इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेट की हुई है उसमें बैश प्रोफाइल में,
तो हमें वो स्क्रिप्ट रन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है सॉफ्टवेयर की। अगर आपने बैच प्रोफाइल में एंट्रीज नहीं की हुई एनवायरमेंट वेरिएबल्स की, तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, डॉट स्पेस ओरा ईएनवी लिख के एंटर करेंगे। वो आपसे डेटाबेस का नाम पूछेगा, पहली दफा ओरेकल होम का पाथ पूछेगा, /user1/apt/oracle/product/11.2.0/db_1 ये हमने पाथ सेट किया, तो आपकी एनवायरमेंट सेट हो जाएगी। तो डॉट स्पेस ओरा ईएनवी लिख के एंटर करेंगे, तो ये एक आपका शेल स्क्रिप्ट उसने यूएसआर लोकल पिन में कॉपी कर दिया हुआ है। ये आपसे पहली दफा सिर्फ आपके डेटाबेस का नाम पूछेगा और उसका ओरेकल होम का, बल्कि अगर आपकी डेटाबेस क्रिएट हुई हुई है तो वो ओरेकल होम का पाथ नहीं पूछेगा, वो खुद ही उठा लेगा उसका पाथ। ये उसने परमानेंट सेव कर लिया। अब जब भी आपने अगर बैच प्रोफाइल में एंट्रीज नहीं की हुई, तो जब भी आप टर्मिनल ओपन करेंगे डॉट स्पेस ओरा एनवी लिख के एंटर करेंगे, वो आपकी डेटाबेस का नाम पूछेगा और एनवायरमेंट सेट कर देगा आपके लिए सारी ओरेकल होम, ओरेकल एसआईडी, पाथ एंड सो ऑन। तो आपके आप कोई भी फिर ओरेकल की यूटिलिटी इन्वोक कर सकेंगे। हम एक ओरेकल की यूटिलिटी इन्वोक करते हैं नेट सीए के नाम से, नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। ठीक है, अगर आपकी एनवायरमेंट सही सेट हुई है और नेट सीए लिख के एंटर करेंगे, तो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ओपन कर देगा। इसके थ्रू आप लिसनर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे लिसनर क्या है, लेकिन अभी आपने फॉर द सेक ऑफ सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ये लिसनर क्रिएट कर लेना है। तो लिसनर क्या करता है, आपके इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन करता है, डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी की रिक्वेस्ट आ रही होती है और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो हम एक नया लिसनर क्रिएट करेंगे, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट करेंगे, ऐड करेंगे एक लिसनर नेक्स्ट, लिसनर का नाम बाय डिफॉल्ट लिसनर का नाम लिसनर ही होता है, आप जो मर्जी नाम रख लें। नेक्स्ट करते हैं, लिसनर किसी न किसी प्रोटोकॉल पर लिसन करता है, बाय डिफॉल्ट TCP/IP प्रोटोकॉल है, जो आपका अंडरलाइन नेटवर्क के ऊपर जो प्रोटोकॉल सेट हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। तो हम TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करेंगे। पोर्ट कौन सी यूज करनी है लिसनर के लिए, लिसनर किसी पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट 1521 पोर्ट होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, बाद में भी चेंज किया जा सकता है। हम इसको 1521 पे जाने देते हैं। वुड यू लाइक टू क्रिएट अनदर लिसनर, नो करेंगे हम। अगर आपका ओरेकल अंडरस्कोर होस्ट नेम का एनवायरमेंट वेरिएबल से ही सेट हुआ है, तो फिर आपका ये लिसनर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर वो सही नहीं सेट हुआ या आपका जो होस्ट नेम है वो पिंग नहीं हो रहा, तो फिर ये लिसनर क्रिएट नहीं होगा, एरर देगा आपको। फिनिश करते हैं जी, हमारा लिसनर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और एग्जिट विद कोड 0 है, मींस के सक्सेसफुली स्टार्ट भी हो गया। तो देख लेते हैं स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ps-ef pipe grep tns अगर आप करें तो आपको ये बताएगा जी ये पाथ है पूरा, और इस पाथ पे ये आपका लिसनर के नाम से एक लिसनर रन हो रहा है। ठीक है, ps-ef की कमांड है लाइन की, जो आपको प्रोसेस ही बताती है। grep tns करेंगे तो आपको जो जहां पे भी जिस प्रोसेस में TNS आ रहा होगा वो आपको दिखा रहा है। तो ये ग्रेप अगर ps-ef सिंपली करें ना, तो सारे प्रोसेस दिखाता है जितने भी हैं। अब ये देखें बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप कोई पर्टिकुलर प्रोसेस देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, पाइप ग्रेप आप चाहते हैं जी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी जगह लिसनर आ रहा है, तो सिर्फ आपको वो दिखाएगा। ठीक है, ग्रेप करके आप सर्च कर सकते हैं, सिर्फ वो वाले प्रोसेस दिखाए जिसमें ये पर्टिकुलर कीवर्ड आता है। ओके, देन आप वंस लिसनर क्रिएट हो गया, अब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, DBCA चलाएंगे। अगर आपने डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस का ऑप्शन सेट किया होता, तो फिर ये लिसनर भी खुद ही क्रिएट कर देता और डेटाबेस भी आपके लिए क्रिएट कर देता। अब आपने हमने क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑनली इंस्टॉल किया था, तो लिसनर हमने मैनुअली क्रिएट कर लिया। अब आप DBCA चला के एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो DBCA आपका है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, इसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। ओके जी, वेलकम पेज है, इसमें सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस करना है या मैनेज टेम्पलेट्स करें, टेम्पलेट्स का मतलब ऑलरेडी टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं, नए टेम्पलेट्स आप बना सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है, डेटाबेस का फाइल्स की लोकेशन आपसे पूछ लेगा, SGA की साइजिंग पूछ लेगा, फिर वो टेम्पलेट आपके नाम से आप अपनी मर्जी के नाम से सेव कर लें।
क्रिएट डेटाबेस में एक नई डेटाबेस क्रिएट करें, वो टेम्पलेट सेट कर ले, उस टेम्पलेट के हिसाब से एक नई डेटाबेस आपको बना देगा। तो पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, हम क्रिएट डेटाबेस करते हैं नेक्स्ट, उसमें देखें तीन टेम्पलेट्स आपको दे दिए हैं, जनरल पर्पज डेटाबेस करनी है, कस्टम करनी है या डेटा वेयरहाउस करनी है। जनरल पर्पज करेंगे तो OLTP टाइप डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, कस्टम करेंगे तो आपको हर चीज आपको खुद से सिलेक्ट करने देगा, और डेटा वेयरहाउस करेंगे तो DWH के लिए के एनवायरमेंट के हिसाब से जो डेटाबेस होनी चाहिए वो आपको कॉन्फ़िगर कर देगा। मींस के आप मेमोरी का साइज डिफरेंट रख देगा, आपके ब्लॉक का साइज डेटाबेस का डिफरेंट रख देगा, ठीक है। कस्टम करेंगे तो आपको सारी चीजें सिलेक्ट करने देगा। तो मैं जनरल पर्पज करता हूँ जी, और नेक्स्ट करते हैं डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम लेंगे जी DB11 जी, जो हमने ओरेकल सेट में सेट किया होता है, लेकिन जरूरी नहीं आप जो भी मर्जी नाम यहाँ पे दे दें। ग्लोबल डेटाबेस का नाम नॉर्मली होता है आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो oranet.com.pk फॉर एग्जांपल, तो आपका जो ग्लोबल डेटाबेस नेम है वो नॉर्मली फुली क्वालिफाइड होता है, मीन्स कि आपका डोमेन का नाम जो भी आपकी डोमेन है उसका नाम होगा, और जो SID होगी वो विदाउट डोमेन नेम होगी। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जी, दोनों चीजें विदाउट डोमेन ही देते हैं, तो लेकिन इट्स अप टू यू। ग्लोबल डेटाबेस नेम आप फुली क्वालिफाइड भी दे सकते हैं, मींस के विद डोमेन नेम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ़िगर इंटरप्राइज मैनेजर। ये ऑप्शन अगर आपने बाय डिफॉल्ट चेक होता है, अगर आप ये ऑप्शन चेक रखेंगे तो ये इंटरप्राइज मैनेजर इस डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर कर देगा, जो कि आप वेब ब्राउजर के थ्रू उसको एक्सेस करके डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे, बैकअप रिकवरी एंड सो ऑन सारी चीजें, आप जो भी चीजें डेटाबेस शटडाउन स्टार्टअप वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना वो सारा आप ग्राफिकली कर सकेंगे। और नोटिफिकेशंस अगर आप अलर्ट सेट करना चाहते हैं कि आपको डेटाबेस पे कोई भी इशू हो या अलर्ट आए तो आपको ईमेल आ जाए, तो आपको अपनी मशीन इन्वायरमेंट में जो आपका मेल सर्वर है या जो SMTP सर्वर है उसका एड्रेस और यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। मेंटेनेंस टास्क बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, या आगे चल के एक चैप्टर में है वो पढ़ेंगे मेंटेनेंस टास्क क्या होते हैं। तो मेंटेनेंस टास्क का ऑप्शन अगर आपने चेक किया तो डेली रात को 10 बजे से लेकर आगे 4 घंटे तक एक मेंटेनेंस विंडो आपकी डेटाबेस पे ओपन होगी, और उसमें आपके डेटाबेस के ऊपर बहुत सारे मेंटेनेंस टास्क रन होंगे, वो देखेंगे कौन से बैकअप है और बहुत सारी चीजें। तो हम ये डिफॉल्ट ही जाने देंगे, बाद में भी चेंज किया जा सकता है। आपकी डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट ये प्रिविलेज यूजर्स बनेंगे, इन सबके पासवर्ड आप अलग अलग दे सकते हैं और सबके सेम पासवर्ड भी दे सकते हैं जी, क्या कह रहे हैं, हाँ सेम भी दे सकते हैं। तो मैं सबके पासवर्ड सेम दे रहा हूँ, बाद में आप इनके पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ओरेकल पासवर्ड दे रहा हूँ जी मैं इनका, वो कहेंगे जी पासवर्ड कम्प्लेक्स नहीं है, हम इसको जाने देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी कि स्टोरेज टाइप आपका डेटाबेस के फाइल्स कहाँ पे होंगी। नेक्स्ट क्लास में मे बी या उससे अगली क्लास में हम दोबारा से इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, लेकिन वो इंस्टॉलेशन आपकी होगी आपकी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें हम ASM की क्रिएशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको स्टोरेज टाइप आपको बता रहा है कि आपकी डेटाबेस की फाइल्स कहाँ पे होंगी, फाइल सिस्टम पे होंगी या ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट में होंगी। और फाइल सिस्टम पे आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे आप फाइल्स रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अलग से एक माउंट पर बनाया हुआ यूजर टू के नाम से, तो आप उसका पाथ दे देंगे यूजर टू में ओरा डाटा DB11G का नाम से फोल्डर बना के, और वहां पे सारी डाटा फाइल्स प्लेस करते हैं। या आप ओरेकल मैनेज फाइल्स रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर आप लोकेशन बताते हैं ओरेकल क्या करेगा, वहीं पे ओरा डाटा के नाम से आपके डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनाएगा और वहां पे सारी फाइल्स प्लेस कर देगा और नाम उनके खुद कर देगा। और अगर आप टेम्पलेट वो जो आपने टेम्पलेट यूज किया था जनरल पर्पज डेटाबेस का उसमें जो लोकेशन है वही अगर जाने देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो ओरेकल बेस है वहां पे ओरा डेटा के नाम से फोल्डर बनेगा, उसमें आपके डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनेगा और वहां पे आपकी सारी की सारी डेटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स और रीडू लॉक फाइल्स कॉपी करेगा। आप कस्टम लोकेशन दे सकते हैं और लोकेशन फाइल्स के बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स से कुछ फाइल्स एक माउंट पॉइंट पर रखते हैं, कुछ दूसरे माउंट पॉइंट पर रखते हैं, कुछ तीसरे माउंट पॉइंट पर रखते हैं, ये भी किया जा सकता है। नॉर्मली रिकमेंडेड ये है कि आप मल्टीपल माउंट पॉइंट्स पे रखें। नेक्स्ट करते हैं फ्लैश रिकवरी एरिया, अनचेक करता हूँ इस ऑप्शन को, और इनेबल आर्काइविंग, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फ्लैश रिकवरी एरिया 10G ऑनवर्ड, इसको फ्लैश रिकवरी एरिया भी कहते हैं और फ्लैश रिकवरी एरिया भी, ये एक सेंट्रलाइज एरिया जहां पे आपके बैकअप रिलेटेड रिकवरी रिलेटेड फाइल्स जाके स्टोर होती है। आर्काइविंग इनेबल करेंगे तो आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में होगी, बाय डिफॉल्ट नो आर्काइव लॉग मोड में होती है, ये बाद में भी इनेबल डिसेबल किए जा सकते हैं ऑप्शन, ये हम बाद में करेंगे अप्रोप्रिएट चैप्टर्स के अंदर जाके आएंगे, वहां पर जाके हम इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट करते हैं जी सैंपल स्कीमास का ऑप्शन, अगर आप टिक कर देंगे तो आपको HR का यूजर और स्कॉट का जो यूजर है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे, उनमें सैंपल टेबल्स और सैंपल डाटा भी आ जाएगा। कस्टम स्क्रिप्ट पर आपको रन करना चाहते हैं, लेट से आप चाहते हैं जी कि आपका एक स्क्रिप्ट है जिसमें यूजर क्रिएशन के कमांड्स हैं, फिर उस यूजर के अंदर टेबल्स क्रिएशन की कमांड्स हैं, तो स्क्रिप्ट का पाथ आप यहाँ पे दे दें सिंपली, तो जब डेटाबेस क्रिएशन हो जाएगी तो एंड पे ये स्क्रिप्ट भी रन हो जाएगा, वो यूजर भी क्रिएट हो जाएगा, वो टेबल्स भी क्रिएट हो जाएंगे डेटाबेस के साथ ही। नेक्स्ट करते हैं जी SGA,
आपकी एस जी ए का साइज कितना होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपके 40% ऑफ मेमोरी ये उठा लेगा, जितनी भी आपके सिस्टम में मेमोरी है उसको 40%। आप इसको कस्टम साइज भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट डिसेबल कर दें या इनेबल कर दें, बाद में ये सारे ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, एस जी ए साइजिंग पे हम नेक्स्ट चैप्टर में, हमने इसके फॉर्म बाद का चैप्टर एस जी ए की साइजिंग के ऊपर ही है, तो उस वक्त वहीं पे उसको डिस्कस करते हैं। साइजिंग ये इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे तो आपको ये साइजिंग चेंज नहीं करने देगा, एस जी ए का साइज तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइजिंग में आपको ये ब्लॉक साइज, ब्लॉक हमने पढ़ा था ना, ब्लॉक फिर एक्सटेंट्स फिर सेगमेंट्स फिर डेटा फाइल्स फिर टेबल स्पेसेस। तो ब्लॉक साइज आपके, अगर आपने जो टेम्पलेट सेट किया था वो जनरल पर्पज डेटाबेस था, तो वो आपका ब्लॉक साइज 8 KB का बनाएगा, चेंज नहीं करने देगा। अगर आपने डेटा वेयर हाउस वाला ऑप्शन सेट किया था तो ब्लॉक साइज 16 KB बनाएगा, चेंज नहीं करने देगा। और अगर आपने कस्टम करेंगे तो ब्लॉक साइज आपको चेंज करने देगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आप OLTP टाइप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लॉक साइज 8 KB होना चाहिए, अगर आप या उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी डेटा वेयर हाउस टाइप एप्लीकेशन है जिसके लिए वो आपका डेटाबेस यूज होगा, तो ब्लॉक साइज 16 या 32 KB होना चाहिए, ठीक है। वो ब्लॉक साइज बाद में चेंज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ब्लॉक साइज डेटाबेस जो आपने क्रिएट कर दी उसी ब्लॉक साइज के साथ क्रिएट होगी, आप कस्टम ब्लॉक साइजेस की बाद में टेबल स्पेसेस वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का ब्लॉक साइज चेंज नहीं कर सकते। सिस्टम सिस ऑक्स जो डिफॉल्ट टेबल स्पेसेस इसके साथ क्रिएट होंगी, या ऐसे टेबल स्पेसेस जिनमें आप ब्लॉक साइज स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज के साथ क्रिएट होंगे जो डेटाबेस क्रिएशन के वक्त आपने बताया था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाज सम टाइम्स ये होता है कि डेटाबेस आपकी रन होगी, लाइव होगी, डेटा आ गया उसमें, एप्लीकेशन कनेक्ट होगी, तो कुछ टाइम के बाद आपको जरूरत पड़ती है नहीं ब्लॉक साइज जो है ना वो 8 KB या 4 KB या 2 KB सफिशिएंट नहीं था, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो वो फिर नहीं हो सकता। फिर आपको ऑल टुगेदर डेटाबेस एक्सपोर्ट करके नई डेटाबेस क्रिएट करके दोबारा से इंपोर्ट करनी होती है। ब्लॉक साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। डेटा फाइल ये वो बाद में मूव कर सकते हैं, तो ऐसे कोई भी डेटा आ गया आपका डेटा फाइल से मूव कर सकते हैं। हां बिल्कुल कर सकते हैं, ज्योमेट्री लेके बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फाइल मूव कर जी ब्लॉक साइज चेंज नहीं हो सकता, जो ऑलरेडी टेबल स्पेसेस क्रिएट होंगी उनका ब्लॉक साइज क्या कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन ब्लॉक साइज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉक साइज इंपैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा। सो आप जो मर्जी कर लें, ब्लॉक साइज अगर आपका कम है या ज्यादा है डेटाबेस की एप्लीकेशन के हिसाब से तो इंपैक्ट करेगा आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो जब हम देखेंगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को तो फिर ब्लॉक साइज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोसेसेस मैक्सिमम एट अ टाइम आपकी डेटाबेस में कितने प्रोसेसेस कनेक्ट हो सकते हैं, जिनमें आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी हैं, डीबी राइटर, लॉग राइटर, पीमोन, एसमोन, और आपके सर्वर प्रोसेसेस जो आपको यूजर कनेक्ट होने जाएगा तो उसके लिए जो प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा। तो ये 150 सेट हुआ है, मीन्स कि आपके कोई अराउंड 20 के करीब तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, और फिर इसका मतलब 120 यूजर्स मैक्सिमम एक वक्त में आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो सकेंगे। तो इस पैरामीटर को बाद में भी इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप देखते हैं कि लेट से नहीं मेरे डेटाबेस में तो एक वक्त में लेट से 500 यूजर्स कनेक्ट होंगे, तो आप इस पैरामीटर को लेट से 600-700 सेट कर दें, या बाद में भी चेंज कर सकते हैं। करेक्टर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर सेट ये डिफाइन करेगा कि आपकी डेटाबेस में किस तरह का डाटा होगा। बाय डिफॉल्ट जो आपका करेक्टर है वो जी AN16 UTF-8 UTF-16, ठीक है, नहीं वो ये नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है ये आपका, ये डिफॉल्ट करेक्टर ये है WE8 वेस्टर्न यूरोपियन 8 बिट MSWin 12, ये करेक्टर सेट का नाम है, ये आपका करेक्टर सेट बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है। डेटाबेस करेक्टर सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो करेक्टर सेट होते हैं, एक नेशनल करेक्टर सेट है और एक डेटाबेस करेक्टर सेट है। डेटाबेस करेक्टर सेट आप जो सेट करेंगे उसी तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। अगर आपने यहां पे बाय डिफॉल्ट वेस्टर्न यूनियन और 8 बिट करेक्टर सेट है, तो वेस्टर्न यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनका डेटा स्टोर हो सकता है, इंग्लिश प्लस वेस्टर्न यूनियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की जो भी डेटा उनका जो लैंग्वेजेस होंगे उनका डेटा स्टोर हो सकेगा। लेकिन आप चाहते हैं मल्टी लिंगुअल डेटाबेस हो जिसमें आपका पर्शियन भी, आपका अरेबिक, आपका चाइनीज, आपका जैपनीज, वो डाटा भी स्टोर हो सके, आपको ये पहले यू नीड टू नो कि आपकी किस तरह की एप्लीकेशन होगी जो इस डेटाबेस से कनेक्ट हो रही होगी, ठीक है, उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा, क्या वो नॉर्मल डेटा है या मल्टी लिंगुअल या किसी डिफरेंट लैंग्वेज का डेटा है। अगर मल्टी लिंगुअल डेटा है तो फिर आपने करेक्टर सेट जो चूज करना होगा वो यूनिवर्सल करेक्टर सेट होना चाहिए, AL32 UTF-8 या AL16 UTF-8, इन दोनों में से कोई एक करेक्टर सेट होना चाहिए, ठीक है। हम इसको डिफॉल्ट जाने देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर सेट बाद में चेंज नहीं हो सकता, यानी कि सर्टन केसेस में नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेप्शन है बहुत सारे केसेस में जहां पे करेक्टर सेट भी चेंज नहीं होगा। कनेक्शन मोड, बाय डिफॉल्ट आपकी डेटाबेस डेडिकेटेड मोड में होगी, आप शेयर्ड मोड में भी कंफिगर कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे बाद में, और आइडियली डेडिकेटेड मोड में ही होनी चाहिए क्योंकि आप आजकल सिस्टम्स में मेमरीज का इशू नहीं है, मेमरी सफिशियंट है। ये लेट 90s में ये था, लेट 80s में ये था कि मेमोरी सिस्टम्स पे कम हुआ करती थी, तो आप
डेटाबेस को शेयर्ड मोड में रखते थे, लेकिन आजकल हम डेटाबेस को डेडिकेटेड मोड में ही रखते हैं। डेडिकेटेड मोड मींस के हर यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस मिनिमम, ठीक है, और शेयर्ड मोड में ही होता है कि 5 यूजर, 10 यूजर, 15 यूजर्स के लिए एक सर्वर प्रोसेस। देन ये आपको जी सारी डिटेल्स दिखा देगा, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, ब्लॉक फाइल्स कहां पे रखेगा, वो आप उनके पास यहां पे भी चेंज कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट जाने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट करनी है डेटाबेस या इसका टेम्पलेट सेव कर देना है या इसके स्क्रिप्ट्स बना के सेव कर देना है, आपके पास ऑप्शन है। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करेंगे तो आपको ये एक डायलॉग देगा जिसमें आपको ये सारी समरी दे देगा कि आपने क्या क्या ऑप्शन सेट किए हैं। ओके कर देते हैं तो डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक डेटा फाइल्स आपकी कॉपी करेगा, इंस्टेंस स्टार्ट करेगा, और फिर डेटाबेस क्रिएशन कंप्लीट करके देन यू विल बी एबल टू मैनेज द डेटाबेस।